आपके अपने YouTube चैनल सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप में स्वागत है। आज हम जानेंगे ग्रेड ऑफ सीमेंट, कंक्रीट कहते हैं। जैसे कि आपकी ग्रेड ऑफ सीमेंट कंक्रीट क्या होता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपने सुना होगा कि मतलब इतना का M10 बनना है, M20 बनना है, M15 बनना है। तो क्या होता है, कैसे बनता है, क्या चीज़ें होती है इसमें, सीमेंट का क्या होता है, तो आज हम इस पे बात करने वाले हैं दोस्तों। और हम आपको पूरा बताएंगे क्या होता है। तो जैसा हमने आपको बता रहा हूँ कि कंक्रीट ग्रेड जो होता है, ठीक है, ग्रेड ग्रेड क्या होता है, जैसे M5, M7.5, M10, M15, M20, M25, ये ग्रेड है, ठीक है दोस्तों। अब इनको क्या, इनका रेशियो होता है, इनका रेशियो क्या होता है, तो वो भी चीज़ें हम बता रहे हैं आपको। इसको याद करने का अच्छा तरीका है कि अब M5 ये क्या होता है, तो M5 में क्या होता है, देखिए याद करने का आसान तरीका, याद करने का आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। One is to five is to ten। अब देखिए सर दोस्तों, इसमें क्या होता है कि ये तो हमारा होता है सीमेंट, ये होता है हमारा सैंड, ठीक है दोस्तों, और ये हमारा होता है एग्रीगेट, जिसे हम पत्थर, ठीक है। तो ये हमारा रेशियो होता है, और जो M7.5 का होता है वो होता है 1:4:8, ठीक है दोस्तों। ऐसे M10 होता है, M10 होता है 1:3:6। तो दोस्तों जनरली ये तो आजकल यूज नहीं होता है, यहाँ से हमारा यूज होता है, ठीक है दोस्तों। अब आता है M15, M15 होता है 1:2:4, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद आता है M20, तो दोस्तों इसमें क्या होता है, ये हो गया आपका सीमेंट, ये हो गया आपका सैंड, ये हो गया आपका एग्रीगेट। तो इसमें होता है 1:1:5, ठीक है दोस्तों, और यह होता है 3, वैसे M25 इसका होता है 1:1:2। तो दोस्तों आज जैसे कि आपने देखा कि क्या कौन कौन सी ग्रेडिंग होती हैं, क्या क्या इनका रेशियो होता है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो डिज़ाइन मिक्स होता है, जो
वाटर मतलब जो कंक्रीट होता है, रेशियो जो होता है वो क्या होता है। अब आपको जानना होगा कि मतलब M10 है तो उसमें कितना सीमेंट लगता है। जैसे हम OHE का फाउंडेशन करते हैं तो यहाँ पे इसमें सीमेंट कंजप्शन कितना होता है, 4.48। ये बैग्स पर CM क्यूबिक मीटर, ठीक है। और जो M15 होता है उसका होता है 6.30 बैग्स पर क्यूबिक मीटर होता है। और दोस्तों जो M20 होता है इसका होता है 8 बैग्स पर क्यूबिक मीटर, ठीक है दोस्तों। अब इसी के साथ और मैं आपको बताऊंगा कि अब इसके ऊपर जो होता है M25, इसमें ये रेलवे में यूज नहीं होता है, OHE फाउंडेशन में। यहाँ पे M20 तक ही सफिशियंट है। और होता क्या है, कैसे कैसे क्या बनता है, मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ कि जो फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन जो होता है वो M10 में होता है। तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता चल जाएगा कितना सीमेंट हमारा 1 CM में लगता है। ये होता है 4.48 बैग्स पर क्यूबिक मीटर। और जो फिर मफिंग, जिसमें मास्ट लगने के बाद फाउंडेशन है, ठीक है, ये आपका मास्ट जो होता है इसको ग्राउट कर मतलब करेंगे ग्राउटिंग, तो इसमें M15 यूज होता है। तो इसका जो है M15 का होता है 6.30 बैग्स पर। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।